जाएगा, बट हाँ, बट अब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जी सर स्टार्ट हाँ करें सर। अच्छा ओके। हाँ तो हम अपने कोड को याद करके स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग मास्क पहन के आए हो कि नहीं? नहीं नहीं समझे आप, नहीं समझे आप, मैंने क्या बोला कि आप सब मास्क पहन के आए हो या नहीं? एग्रीमोनी सर, क्या ये दादा वाला मास्क ये नहीं, तो ये एग्रीमोनी है ना, मास्क पहनता है वो। एग्रीमनी वाला? हाँ 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 बस जी बस एग्रीमनी वाला है। मैं यही बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारा कोरोना वाला मास्क है ना, वो मास्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज के जमाने में हर लोग, हर बंदा अपने चेहरे पे एक मुखौटा यानी कि मास्क पहन के ही घूमता है, ठीक है। जी सर कोई हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं मास्क। मास्क क्या है? चेहरे पे चेहरा। अपना एग्रीमोनी क्या है? चेहरे पे चेहरा, जो चेहरे है वो दिखता दिखता नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना कि जितना येलो है, जितना पीला दिखता है, वो सब सोना नहीं है। सर, आवाज सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्टेड आ रही आवाज। किसकी? मेरी आवाज? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? सर सिग्नल का ना इशू आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होके आ रही आवाज, रुक रुक के। हाँ, वो आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम शायद है, ठीक है। ठीक अब अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके पास में जो भी कुछ लिखा है, या तो आपके पास जो भी कुछ बुक है ना, वो बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि जब भी कुछ रेफरेंस देखने की जरूरत पड़े, आप आराम से देख लो। कुछ छुपाना नहीं है, एग्रीमोनी बनना नहीं है, सीखना है तो सीखना है, ठीक है। जी सर इंशाल्लाह। हाँ तो मैडम जी, आप दोनों कौन है? हेलो, मेरा नाम बिशरा फारूक। हाँ, आप एग्रीमोनी के? अस्सलाम सर, मेरा नाम हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर, आप एग्रीमोनी के बारे में क्या जानते हो? मैं एग्री मनी के बारे में ये जानती हूँ कि वो एक फ्लावर है और वो यानी माइंड सेंटर पर काम करती हूँ। और उसके अलावा ये कि वो ऐसे लोग यानी जो कि हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर का यानी जो गम और जो दुख होता है ना, वो किसी से शेयर नहीं करते और वो अपने अंदर यानी अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, और वो वेरी बाहरी गुड, तौर पर ऐसे होते हैं कि बहुत खुश हैं। वेरी गुड। और ऐसे जैसे हाँ हाँ ऐसे जैसे लोगों कि से आप, ऐसे हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसे आपके अंदर एक घबराहट है, और घबराहट के होते हुए भी आप स्माइलिंग के साथ साथ आप मुझे आंसर दे रहे हैं ना, है जी ना? जी अंदर घबराहट भी है ना, क्या जाने वाला है, वो कौन है, कैसा दिखता है, डांटेगा नहीं डांटेगा, फिर भी आपके चेहरे ऊपर स्माइल है, और स्माइल के साथ आपने आंसर दिया। तो ये है एग्रीमोनी का सिम्टम, कि पेशेंट अपने दुख दर्द या गम को अपने अंदर छुपा के विद स्माइलिंग फेस वो आंसर देगा। जैसे कि किसी को पूछा जाए कि कैसे हो, तो जनरली सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। कभी कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ? हाँ, नहीं तो यहाँ भी ये एग्रीमोनी है विद स्माइलिंग फेस, मास्क की सिम्टम इज मास्क। बट हमने लर्निंग के लिए बताया दुख दर्द और गम को छुपाना। बट अगर मैं मेरे बच्चे को पूछता हूँ कि तू सिगरेट पी रहा है क्या, तो वो क्या जवाब देगा? अगर पीता है, मान लो वो सिगरेट पीता है, तो क्या जवाब देगा? नहीं तो पापा, एग्रीमेंट नहीं, वो हंसते हुए बोलेंगे कि नहीं रे पापा, मैं और सिगरेट कभी हो ही नहीं सकता। बट मुझे पता है वो सिगरेट पी रहा है, उसने क्या किया? जो वो करता है वो छिपाया, और कैसे आंसर दिया? हंसते हुए। तो ये हो गया एग्रीमोन।
जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में आप दुख दर्द और गम ही ढूंढो। कोई भी प्रॉब्लम है अगर वो अपनी हस्ती के पीछे छुपा के बोलता है ना, तो वो एग्रीमोनी है। जैसे कि मेरा 8 इयर्स का ग्रैंडसन है, खेलते खेलते गिर गया, उसका गया, थोड़ा ब्लड निकल रहा था, तो वो मेरे पास आया, दादू मुझे कैसे बोला, वो हंसते हुए बोला, गिर गया, ब्लड निकल रहा था, पेन भी हो रहा था, फिर भी उसने क्या किया, किसी की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, आप दादा का लेक्चर आराम से सुन सकेंगे। दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे, वो था, पेन भी होगा, होता ही होगा, मैंने उसके घाव पे क्रीम लगा के उसको एक डोज एग्रीमोनी का दे दिया। उसको एग्रीमोनी का डोज क्यों दे दिया, कि वो अपने दुख दर्द को छुपा के हंसते हुए बोला था कि मुझे यहाँ कुछ लगा दो, ये भी एग्रीमोनी है। एग्रीमोनी क्या करता है जी। वो अपने जो भी प्रॉब्लम है ना, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, इसके लिए स्माइलिंग फेस रखता है इंडिया, हाँ, इसीलिए स्माइलिंग फेस रख के, हेलो, इसीलिए स्माइलिंग फेस रख के वो आपके साथ बात करेगा। मोस्टली क्या होता है, एग्रीमोनी पेशेंट है, अमन पसंद है, शांति प्रिय है, उसको शांति बहुत प्रिय है, वो न तो बहस करेगा, न चर्चा करेगा, न झगड़ा करेगा, तो दादा आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बंद हो गई, नहीं आ रही आवाज, बंद है आपका माइक, बंद है। हेलो, अब आवाज आ रही है, जी अब आ रही है, हाँ, तो हम कहाँ, कर रहा है, अब आ रही है आवाज, जी दादा अभी आ रही, हाँ जी दादा, हाँ, तो वो अपने पास आएगा लेकिन अपने बारे में कुछ बताएगा नहीं, उसके साथ जो आया है वो बताएगा कि उसको इतनी इतनी ये तकलीफ है, कम बोलने वाला है। तो इसका दूसरा मतलब देखो, आप कम बोलता है, उसको बहस पसंद नहीं, उसको झगड़ा पसंद नहीं। तो अगर कोई पेशेंट एडवोकेट है, एग्रीमोनी पेशेंट एडवोकेट है, तो क्या होगा, वो कभी भी फेमस एडवोकेट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, तो उसको बहस चीरा तो पसंद ही नहीं, और कोर्ट में क्या काम होता है, बहस करना, बहस करके जीतना, तो ये बंदा ये तो कर नहीं सकता, तो कोई भी केस वो हारेगा, वो जीतेगा नहीं, ये भी एग्रीमोनी है। एग्रीमोनी का नेचर क्या है, दोस्ताना, फ्रेंडली नेचर है, वो पार्टी की धान होता है, जैसे ही वो पार्टी में आता है ना, पार्टी की रंगत पूरी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, वो आते ही हंसी मजाक के जोक तेरो साइड ही स्टार्ट कर देता है। क्यों स्टार्ट कर देता है, कि जो उसके सर्कल वाले या जो दुनिया वाले है ना, वो जान न ले कि उसके अंदर क्या छिपा है, मतलब यहाँ एग्रीमोनी छिपाता भी है, तो आते ही वो ये सब स्टार्ट कर देता है, तेरो साइड ही जो वगैरह वगैरह। इसकी दूसरी ओर देखो, अपने जितने भी सायर है तो वो सब दुखी है कहीं ना कहीं, तभी तो सायरी निकलेगी। मेरे एक दोस्त था, वो जो ये ऐसे प्रोग्राम किया करता था, मैंने उनकी लाइफ देखी थी,
वो बाहर से जितना सबको हंसाता था, जितना कुछ दिखता था, वो घर का दुखी था। तो ऐसे लोग मोस्टली बाहर से अलग होते हैं, अंदर से अलग, जिसको हम बोलते हैं ना हाथी के दांत। आपने हाथी देखा है ना, बाहर के दांत उसके अलग होते हैं और अंदर के दांत कुछ अलग होते हैं। ये एग्रीमोनी टाइप का हो जाता है, जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता, वो अंदर से वो दुखी आत्मा होता है। इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता। अब भाई क्यों उसको अकेले रहना पसंद नहीं होता, कि जैसे वो अकेला होता है तो क्या होता है, उसका दुख, उसका डर, उसका गम उसको फिर से याद आने लगता है। इसीलिए एग्री मोनी पेशेंट कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करेगा। एग्री मोनी पेशेंट सबके सामने कभी नहीं रोएगा, वो अकेले में रूम बंद करके रोएगा। जो उनके साथ में है ना, वो लोग ये जानते हैं कि वो सबके सामने नहीं रोता, पर जैसे अपने रूम में जाता है वो रूम बंद करके रोता है। ये भी एग्रीमोनी है। अब आगे देख कि अगर उसको जो प्रॉब्लम है, अगर कैंसर पेशेंट है तो उसको दर्द कितना होता है, बहुत ज्यादा, हम सब जानते ही है। अगर कोई गम का मारा है तो उसका गम कैसा होता है, बहुत ज्यादा। तो कभी ये पॉइंट भी आता है कि जब हद से उसका दर्द बढ़ जाता है, या तो हद से उसका गम बढ़ जाता है, तो वो सुसाइड कर सकता है। करेगा नहीं लेकिन कर सकता है। ये भी एग्रीमोनी में ही आता है कि जब हद से दुख दर्द बढ़ जाता है तो पेशेंट सुसाइड की ओर चला जाता है। आगे हम देखें कि हमने बोला था कि एग्रीमोनी नशा करता है। क्यों नशा करता है? रात को स्लीपिंग पिल्स लेता है, क्यों लेता है? रात को ड्रिंक करता है, एक दो पेग मार के सो जाता है, क्यों ऐसा करता है? ताकि स्लीपिंग पिल्स लेके वो आराम से अपना दुख दर्द गम भूल के सो सके। एक दो पेग मार लिया ताकि उसको नींद आ जाए। इसका दूसरा पहलू आप देखो कि अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट है कि जो अपने नशे को छोड़ना चाहता है और आपको दिखता है कि उसमें कहीं ना कहीं दुख या दर्द या गम छिपा हुआ है, तो आपकी सबसे पहली रेमेडी आएगी एग्रीमोनी। उसके बाद में वो पेशेंट खुद अगर छोड़ना चाहता है तो क्रेबेपल आएगी। वो हम चर्चा डिस्कस बाद में करेंगे, अभी एग्रीमोनी पे जा रहे हैं तो एग्रीमोनी पे ही जाएंगे, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। दादा आपने क्या बोला है कि नशा वगैरह छोड़ना चाहता है, ये समझ नहीं आई मुझे बात। अच्छा नशा मतलब ड्रिंक करना, नशा बोला जाता है ना, आप क्या बोलते हो पता नहीं मुझे। हाँ तो दादा नशा ही बोलते हैं। हाँ जब कोई ये दारू वाला नशा, चरस गांजा वाला नशा, सिगरेट वाला नशा, कोई भी पेशेंट ये छोड़ना चाहता है ना कि मुझे इससे छूटना है, अगर आपको पता चले कि इसकी लाइफ में कहीं गम छिपा हुआ है या दुख दर्द छिपा हुआ है, तो आपके सबसे पहले एग्रीमोनी के सामने 3+ लगाना है। जैसे हम होम्योपैथी में करते हैं ना प्लस प्लस प्लस, यहाँ हमारी एग्रीमोनी नशा छुड़ाने में प्लस 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 हो जाती है। पर कब, जब आपको उसमें मिले कि दुख दर्द या गम पेशेंट में है तब। और जैसे मैंने बोला एग्रीमोनी पेशेंट झगड़ा, बहस, चर्चा, डिस्कस पसंद नहीं करता, तो जितने भी बिजनेस है कि जिसमें उसको ज्यादा बोलना पड़े, चर्चा करनी पड़े, बहस करना पड़े, जैसे सेल्समैन है, टीचर है, एडवोकेट है, ऐसी जॉब एग्रीमोनी कभी भी पसंद नहीं करता। दूसरी बात, अगर आप शॉपिंग के जाते हो, समझो कि मैंने ये शर्ट लेना है और शॉप वाले ने बोल दिया
ये शर्ट का 1200 रुपीज है, अब मुझे क्या करना, अब मैं एग्रीमोनी हूं तो क्या करूंगा, बहस तो करूंगा नहीं कि भाई उसका कुछ कम करो, एक शर्ट का 1200 थोड़ी होता है। तो यहाँ एग्रीमोनी हमेशा फिक्स रेट की दुकान ही पसंद करेगा, वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। जैसे आप सब सब्जी वालों के साथ करते हो ना कि भाई 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, बैंगन दे दो, भिंडी दे दो, ये दे दो, और फिर आप बोलते हो कि भैया फ्री में वो मसाला भी दे दो, कोथमीर है, लिमड़ा है, ये वो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी हाँ। तो एग्रीमोनी अगर लेडीज भी है ना तो वो सब्जी वाले से सब्जी ले लेगी, बट बार्गेनिंग नहीं करेगी, ना ही वो सब्जी वाले से फ्री में मसाला मांगी। वो मोस्टली फीमेल की ये आदत होती है, एग्रीमोनी में ये आदत आपको नहीं मिलेगी। अब देखो एग्रीमोनी क्या है, वो क्यों एग्रीमोनी ऐसा बनता है, वो अगर उसको कारोबार में भी नुकसान हुआ होता है नहीं तो वो किसको बताया नहीं कि मुझे इतना लॉस हुआ, किसी ने उसको प्यार में धोखा दे दिया है तो भी गम में चला जाता है। अगर हमारे घर की कोई बेटी ससुराल में है, हमने सब सोच समझ के रिश्ता तय किया था, बट वहां जाके वो दुखी है, ससुराल वाले उसको दुख दे रहे हैं, बट जब भी आप फोन करोगे ना कि बेटा तू कैसी है, वो हंसते हुए आपको जवाब देगी कि अब्बा हजूर मैं ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छी तरह से रखते हैं, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको वहां देखना है कि हकीकत क्या है। मोस्टली जो सुसाइड करती है ना वो अपने बारे में अपने अब्बा हुजूर या तो अपने बुजुर्गों को कुछ बताती नहीं, वो चीज क्या करती है जब हद से ज्यादा सब कुछ बढ़ जाता है ना तो वो सुसाइड कर लेती। जब आपको ख्याल आ जाता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, उसको एग्रीमोनी चाहिए। एग्रीमोनी देने से वो क्या करेगी कि जो अपने दुख दर्द गम अंदर छिपा रही है ना वो खुल जाएगी, वो बताने लगेगी कि यहाँ मेरी हालात कैसी है। एग्रीमोनी आपको यहाँ भी हेल्प करती है। तो जैसे मैंने ये सब बताया ना कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, छिपाना ये वो, शॉर्ट में ये सब आज की तारीख में देखो शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब एक बात और सुनिए, आप में से जिन लोगों का बर्थ नवंबर 21 से दिसंबर 20 के बीच में है तो आपकी जोडिया साइन हो गई सेजिटेरियस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ दादा, ये बात जरा रिपीट कीजिएगा दोबारा से। अगर किसी की बर्थडे नवंबर 21 और दिसंबर 20 की बीच में है, ये जोडियाक साइन है, सन साइन है, वो सेजिटेरियस है, मतलब ये तारीख के बीच में उसका बर्थ हुआ है, उसकी बेच फ्लावर आएगी एग्रीमोनी। आप जितने भी केस लिखे ना ये तारीख में नवंबर 21 से लेके दिसंबर 20 तक किसका बर्थ है, आप उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए, आपको उसमें कहीं ना कहीं एग्रीमोनी मिल जाएगा। अगर एग्रीमोनी मिल गया तो आपको क्या करना है, एग्रीमोनी के साथ में उसको हमारा बायोसॉल्ट सिलिका देना है, उसका बायोसॉल्ट भी सिलिका ही आएगा। एग्रीमोनी हाँ सेलेशिया किस पोटेंसी में देंगे अगर साथ देते हैं तो? हम देखिए मैडम, हम यहाँ कोई सिम्टम्स देख के सिलिसिया नहीं दे रहे हैं ना उसको, जी जी। उसका बर्थ
सॉल्ट सिलिसिया जा रहा है तो सिक्स पैक अच्छा रहेगा। ठीक है सर। हाँ बायो सॉल्ट सिक्स पैक, बट अगर कोई और सिम्टम्स है तो आप 30 दे सकते हो, 200 दे। बट जैसे मैंने सुबह बताया ना, एक साइड ही दिखता था कि न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, हो गया ना एग्रीमोनी, समझे आप? न मुंह छुपा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ये एग्रीमोनी। हाँ ये एग्रीमोनी। अब जाते हैं हम, ये जितने भी हमने सिम्टम्स देखे ना वो एग्रीमोनी के नेगेटिव सिम्टम्स देखे। डेस्ट्रावर करता क्या है, अपने माइंड में जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको दूर करता है या कंट्रोल करता है, वो पॉजिटिव के और टच भी नहीं करेगा। जैसे जैसे नेगेटिविटी या नेगेटिव सिम्टम हमारे माइंड से दूर जाते हैं ना, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव सिम्टम अपने आप डेवलप होने लगते। पॉजिटिव सिम्टम क्या है, मेंटल पीस, ये एग्रीमोनी का पॉजिटिव सिम्टम है। जेन्यून है, ऑप्टिमाइजम है, टॉवर्ड्स वरी, चिंताओं के बारे में जेन्यून है, ठीक है, केयर फ्री है, केयरफुल है, ये भी पॉजिटिव में चला जाता है। जो हमारे सामने वो केयरफुल करता है ना वो उसका दिखावा है, बट नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, छिपा रहा है। पॉजिटिव क्या है, केयर फ्री है, केयर फ्री, केयरफुल है, ठीक है। और क्या क्या जानना चाहोगे आप? सॉरी दादा इंटरप्ट, डॉक्टर करीम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए मीटिंग को क्लोज होने में, आपने उसका लिंक बढ़ाया था? नहीं वो चलेगा, आप जारी रखेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं जारी नहीं रखेंगे, आज का सेशन 30 मिनट का या 40 मिनट का ही रहेगा। दादा 30 मिनट का था तो अभी हमारे पास 5 मिनट है तकरीबन, 40 मिनट का होगा अगर फ्री वाला सेशन है ना हमारे पास तो 40 मिनट का होता है। नहीं, वो डॉक्टर कलीम ने 30 मिनट वाला उसमें डाला था ऑप्शन में। हाँ ओके ओके, हाँ तो 5 मिनट है, अच्छा जी जी। अब जब भी कोई, हाँ जब भी कोई आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी लगे ना कि जहाँ पेशेंट ओवर सेंसिटिव है या तो कुछ छिपाता है और उसकी वजह से उसको ये दुख दर्द या कोई भी डिसीज हो रहा है तो यहाँ एग्रीमोनी आपको रिजल्ट देगा। कैसे देगा, एग्रीमोनी कभी भी बेड फ्लावर कभी भी फिजिकल या पैथोलॉजिकल रिजल्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं देगा, वो माइंड थ्रू देगा। माइंड क्या है, अपनी बॉडी का किंग है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। बट जैसे हमारा माइंड वीक होता है, डल हो जाता है, वो अपना कंट्रोल बॉडी पर से खो देता है और जो बाहर की नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिम्टम्स है, उसके अंदर के नेगेटिव सिम्टम्स है, वो उसके उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर हावी हो जाते हैं। बेड फ्लावर थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट के माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं, उसमें जितनी नेगेटिविटी है, जिस टाइप की नेगेटिविटी है उसको हम दूर भगाते हैं और माइंड फिर से स्ट्रांग हो जाता है। जैसे माइंड स्ट्रांग हो जाता है फिर से बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है, और जैसे बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है वो हुक्म देने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसको दूर भगाओ, इसको ठीक करो, इसको ये करो। बेड फ्लावर ऐसे ही रिजल्ट देता है। सबसे पहले मैं अब ये आपको बताना चाहूंगा कि बेड फ्लावर एक फ्लावर रेमेडी है, ठीक है, तो फ्लावर से बनती है तो नेचुरल रेमेडी हो गई, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। अल्कोहल हम ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, कि वो खराब ना हो जाए, इसलिए, और कोई केमिकल उसमें है ही नहीं, तो ये हार्मलेस है।
कोई एग्रेवेशन नहीं आता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेड फ्लावर की। आप एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट वुमन को भी दे सकते हो, और 80, 90, 100 साल के बुजुर्ग बूढ़े आदमी को भी दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। आगे हम एक के बाद एक रेमेडी सीखते जाएंगे। एक टाइम वो आएगा कि आप अपने 60-70% पेशेंट को ओनली बेड फ्लावर से ठीक कर पाओगे, चाहे उसका डिसीज पैथोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो। बट जितने साइको केस है, मेंटल केस है, उसमें बेड फ्लावर का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। सही। ओके, नाउ